प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की, प्रभु जी आपने अपने हमें संभाला खुदावन, आपके चरणों में उपस्थित है खुदा, ताकि आपकी बातों को सुन सके खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन खुदावन यीशु राजा आपके चरणों में आए हैं पिता, हर एक को आशीष देना पिता, हर एक जन जो प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए आए पिता, हर एक को हम सबको प्रभु जी अपनी बुद्धि इनायत करना, ताकि पिता परमेश्वर आपकी बुद्धि के द्वारा आपके सामर्थ को प्राप्त करके आपके अनुग्रह के द्वारा खुदावन आपकी बातों को हम सीख सके पिता। प्रभु जी आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में बनी रहे, पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता मांगते हैं, हमारी सहायता करें ताकि हम वचन के प्रकाशन को ग्रहण कर सके। और खुदावन यीशु राजा, जैसे कि आपने वचन में कहा है कि तुम वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो, पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी हम अपने सब भाई बहन खुदावन यीशु राजा अपने जीवन के लिए क्लेम करते हैं, ताकि इस वचन के अनुसार हमारा जीवन बनने पाए। प्रभु जी विशेष तौर से प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में सौंपते, खुदावन के देह प्राण हाथ और जी आपका कंट्रोल रहे, प्रभु जी शब्द आपके हो लेकिन मुख उनका हो पिता, ताकि पिता परमेश्वर आपके शब्द आपके वचन खुदावन यीशु राजा हम सुनने पाए पिता। प्रभु जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में एक गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ना कोई बीमारी उस नाम के आगे टिक सकती है।
काम को समर्पित करो उस यीशु के पास, उस नाम को पुकारे उसके सम्मुख अपने आप को यीशु। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर सकें और परमेश्वर के वचन पर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और निकालेंगे रोमियो की किताब उसका 15वां अध्याय और उसके 5 पद को। रोमियो 15 अध्याय 5 पद। प्रेज द लॉर्ड।
और लिखा है और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। क्या मैं और आप एक मन है? क्या मैं और आप जो हम मनुष्य हैं, क्या हम और आप भी एक मन हो पाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। देखने की बात है क्या मेरे अंदर धीरज है, और वो लिखा है क्या धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो बड़ी समस्या है कि हम एक मन नहीं हो पा रहे, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे पति पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, आज हमारे मन नहीं मिल पा रहे। और आज हम जो है जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारे एक मन की एकाग्रता नहीं हो पा रही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है कि शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे। किसको? मुझे और आपको ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार जैसा मसीह प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आपस में एक मन हो। हालेलुया। मेरे प्रियो मुझे और आपको एक सा मन रखना है, यानी अपने जीवन को अपने साथी के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने अजीजों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, सबके साथ मिलकर के एक मन होना चाहिए। ये नहीं कि हम विरोध करें या बड़ा घमंड करें। मेरे प्रियो ये जो घमंड की आदत है, मेरे प्रियो जो घमंड, जैसे शराब का नशा होता है, जब आदमी शराब पी लेता है मेरे प्रियो, तो उसको पता ही नहीं लगता है कि वो उसके ऊपर क्या हो रही है, हावी हो रही है। इसी प्रकार से जो घमंड है मनुष्य का, वो उसको महसूस नहीं होता, बाकी सबको महसूस होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है आप एक सब मन रखो और अभिमानी मत हो, घमंडी मत हो, परंतु दीन लोगों के साथ मुझे और आपको क्या रखना? संगति रखनी है। क्या मैं दीन लोगों के साथ, जो दीन लोग हैं उनके साथ संगति रखते हैं? और मनुष्य की आदत होती है कि वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, मेरी बुद्धि मेरी समझ जो कर रही है वो सही है। मेरे प्रियो मनुष्य अपने आप को अपनी दृष्टि में बुद्धिमान समझता है, वो सोचता है कि जो निर्णय जो कार्य जो कुछ मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे प्रियो खुदावन यीशु मसीह कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुसार एक मन होना है। हालेलुया। क्या हम जितने भी लोग हैं, जितने भी अपने प्रियजन हैं, क्या हम सब एक मन रहते हैं? क्या एक मन होते हैं? या हम विरोध करते हैं एक दूसरे की बातों का? अक्सर हम देखते हैं कि हमारे साथ में जो रह रहे हैं लोग, हमारे साथ जो बातचीत कर रहे हैं, वो जैसे ही हम उनसे अलग होते हैं वो हमारे पीछे बुराई कर देते हैं, हमारे लिए बुरा व्यवहार कर देते हैं। और जबकि हमें लगता है कि वो हमारे एक मन है, हमारे साथ है, हमारे साथ जुड़े हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो हमें दूसरों के भलाई करना, उनके ऊपर कृपा दृष्टि रखना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और भाईचारे की प्रतीति भी रखनी है। क्या मैं और आप भाईचारे की प्रीति रख रहे हैं? जैसे कि मैंने अभी आपके सामने इस बात को कहा कि जैसे ही हम पीछे मुड़े और हमारे जो साथी हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हमारे साथ पीते हैं, खाने पीने से का मतलब पानी पीते हैं और खाना खाते हैं और हमारे साथ रहते हैं, और जैसे ही हमारी पीठ मुड़ी और वो हमारी बुराई कर देते हैं, हमारे लिए बुरा भला बोल देते हैं। तो मेरे प्रियो हमें अपने आप के अंदर भाईचारे की प्रीति को रखना है। हमारा व्यवहार भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए। कोई आपको कुछ कह गया कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लिए, धीरज कर लिए। खुदा का वचन कह रहा है धीरज रखो। क्या मैं और आप धीरज रखते? हालेलुया। और करुणा में और नम्र बनना है। क्या हम लोगों पर हमारी नम्रता है? हम क्या नम्रता का व्यवहार कर रहे हैं या कुटिल व्यवहार कर रहे हैं? आज आपको कोई सीख मिली है या आप किसी जगह पर हैं, आपका बोलने का तरीका, आपका व्यवहार करने का तरीका, आप देखेंगे कि बहुत से लोगों का
व्यवहार करने का तरीका बहुत खराब है, बोलने का तरीका बहुत खराब है। ऐसे जो टॉकिंग करते हैं वो बहुत ही अजीब तरीके से लोगों से व्यवहार है। हालेलुया। क्या आप अपने आप को उस स्थान पर खड़ा देखते हैं जहां वो व्यक्ति आपका खड़ा है? अगर हमारे साथ कोई बोल दे तो हमें कैसा लगे? हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बड़ा सोच विचार के हमें नम्र होना है, करुणामय होना और दीन होना है। पहला कुरंतियों एक अध्याय दस पद कहता है, पहला कुरंतियों एक अध्याय दस पद कहता है, हे भाइयों मैं तुमसे यीशु मसीह, पौलुस कह रहे हैं, हे भाइयों मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ। इतना बड़ा प्रभु का सेवक जिसने ढेरों पत्रियां लिख दी और उनके द्वारा जीवन की बातों को हम लोग आज भी सीखते हैं, कितना नम्र है। वो कह रहा है मैं यीशु मसीह के नाम से तुमसे विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो। हालेलुया। जय मसीह की। अजीत भाई प्रभु आशीष दे आपको। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाभी। और वो लगा तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। मेरे प्रियो, आज हमारे साथ हमारे परिवारों में फूट है, हमारे परिवारों में फूट है। भाई बहन एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से गलत व्यवहार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तुम में फूट क्या है? शैतान तो हमारे मनों को, प्रेज द लॉर्ड। नीलिमा सिस्टर जयमसी की प्रभु आशीष दे आपको। और वो कहता है कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। आज मेरे प्रियो, जैसे हम कहते देख रहे हैं अपने आसपास कि परिवारों में फूट है, भाई बहनों में फूट है, माता पिता में फूट है। हालेलुया। किस कारण से? एक शैतान का काम तो ये है कि शैतान बातों के द्वारा, कामों के द्वारा मेरे और आपके जीवन में क्या डालता है? विघटन डालता है, बुराई डालता है। क्या आपके जीवन के द्वारा लोगों को आनंद मिलता है? क्या आपके द्वारा लोगों को शांति मिलती है? क्या आपके विचारों के द्वारा लोगों को आनंद होता है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह से, पौलुस कह रहे हैं, मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के वास्ते विनती करके कहता हूं कि तुम सब एक ही बात करो, यानी कि अच्छी बात करो, अच्छे बातों में चलो, तुम एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। प्रेज द लॉर्ड। आज विचारों में तो टकराव है मेरे प्रियो, पति और पत्नी के विचारों में टकराव है, बेटे और बेटियों के जो माँ बाप के बीच में टकराव है। आज हम एक दूसरे की बात को सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि शैतान मेरे और आपके कान में बहुत धीरे से कोई बात बोल जाता है और कह देता है और बस वो ही हमारे दिमाग में घूमती रहती है, इसने ऐसे क्यों कहा, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। और धीरे धीरे मेरे प्रियो, वो पूरी रीति से हमारे ऊपर क्या कर लेता, कब्जा कर लेता। हालेलुया। लेकिन पौलुस साहब कहते हैं कि तुम एक मन हो और एक मत होकर चलो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो क्या कह रहा है? अपने हित की बात नहीं बल्कि दूसरों के हित की बात भी, हित की चिंता करो। क्या मैं अपने पड़ोसी की, मैं अपने अजीजों की, मैं अपने जो मेरे साथ काम करने वाले भाई बहन हैं उनके साथ, उनके हित की चिंता करता हूं या करती हूं, या मैं उनको दबाती हूं? हालेलुया। मेरे प्रियो, बड़ा सोचने का विषय है कि हम किसी के हित को तो नहीं मान रहे, किसी के अधिकार को तो नहीं मान रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक को खुदा का कलाम कह रहा है, पौलुस ने लिखा है फिलिपियों की पुस्तक में कि हर एक व्यक्ति, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, या कोई भी व्यक्ति, हर एक अपनी हित की नहीं, अपने फायदे की नहीं। आज मनुष्य सबसे पहले अपने फायदे की बात करता है। अरे उसको फायदा ना मिल जाए, उसको क्यों फायदा मिले? क्यों ना मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को फायदा मिले? आज बहुत से लोगों का ये विचार है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु ने अपने कलाम में इस बात को कहा है, पौलुस से लिखवाया है
कि अपने हित की नहीं वरन दूसरों के हित की चिंता करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम प्रेम में चलते हैं? हम तो एक दूसरे की काट करना चाहते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया? प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने उसका विरोध किया, जिन लोगों को उन लोगों प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने विरोध किया और कहा इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, और जिंदगी देने वाले यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया और मृत्यु को देने वाले बरअब्बा को उन्होंने छुड़वा दिया। हालेलुया। उसके प्रेम का उदाहरण देखना है तो उसने अपने ऊपर के वस्त्र उतारे और कमर में अंगोछा बांधा और अपने चेलों के पैर धोए। इससे बड़ा उदाहरण प्रेम का मेरे प्रियो कोई है ही नहीं। आज हम देख सकते हैं बड़े बड़े गुरु लोग, बड़े बड़े जिनके नाम हैं, जो बड़े वो प्रचार करने वाले हैं, अन्य विश्वास के भाई बहन, लोग उनके पैर धो रहे हैं, वो क्या व्यवहार कर रहे हैं? वो गुरु हो रहे हैं, गुरु हैं, उनको लोग गुरु मानते हैं, लेकिन लोगों से वो पैर धुलवा रहे हैं, अपने पैर दबवा रहे हैं, और क्या क्या व्यवहार कर रहे हैं मेरे प्रियो, क्या क्या बातें उनको बता रहे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर के वस्त्र उतारे और कमर में अंगोछा बांधा और एक सेवक के नाई उसने अपने चेलों के पैर धोए। मेरे प्रियो, आज किसी भी विश्वास के लोगों के में आप जाकर देख सकते हैं कि कहीं भी किसी गुरु ने इतना बड़ा उदाहरण नहीं दिया जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। प्रेम, उसके अंदर प्रेम था। अगर उसके अंदर प्रेम ना होता तो वो एक मनुष्य बन के संसार में क्यों आता? प्रेज द लॉर्ड। लिखा है वचन में, जैसा कि मसीह ने तुमसे प्रेम किया। हालेलुया। मसीह ने तो तुमसे प्रेम कर दिया। अरे मेरे मसीह भाई बहनों, क्या तुम अपने अजीजों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने प्यार करने, अपने जो काम करने वाले हैं, अपने पड़ोसी हैं, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करते हो, या एक दूसरे की उतारने में लगे हो, एक दूसरे की बेइज्जती करने में लगे हो, या एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करने में लगे हो? लिखा है वचन में, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे लिए उसने अपने आप को एक सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट कर दी। वो जिसके जीवन में आया उसके अंदर से प्रेम की खुशबू निकलने लगी, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। लेकिन जब आपके अंदर प्रभु का प्रेम आ जाएगा मेरे प्रियो, तो आपके जीवन बदल जाएंगे, आपके चरित्र बदल जाएंगे, आपका सोचना बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आपके जीवन से मेरे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेम चमकने लगेगा, प्रेम दिखाई देने लगेगा। हालेलुया। ये है मेरा और आपका यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। उसके प्रेम का उदाहरण मैंने आपको दिया कि उसने अपने चेलों के पैर धोए, उसका उदाहरण देख सकते हैं। संसार में आया मेरे और आपके गुनाह के लिए उसने, प्रेज द लॉर्ड, मेरे और आपके गुनाह के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। कोई है? किसी विश्वास में कोई है कि उसने अपने आप को बलिदान किया हो? हाँ मेरे प्रियो, मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह नर सवार ने आया था, नर का सहार करने नहीं आया, वो नर को सवार ने आया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अनिता सिस्टर जयमसी की प्रभु आशीष दे। हालेलुया। इज़कैल की पुस्तक, यश्केल की पुस्तक, उसका 11:19 कहता है, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके अंदर मांस का हृदय है? क्या आप लोगों के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोगों से प्रेम करते हैं?
क्या मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ या बहुत अच्छा खुदा के सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरे जीवन से परमेश्वर दिखाई दे रहा है? क्या मेरे अंदर कोई ऐसी सोच है कि मैं दूसरे का नुकसान कर रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है आनंदित रहो। क्या हम आनंदित है? मैं क्या अपने भाई को, अपने पड़ोसी को, अपने साथ काम करने वालों के साथ मिलके आनंदित हूं, या मैं उनको देख के जलता हूं, या उनको देख के चिढ़ता हूं कि अरे ये क्यों ऐसे हो गए, क्यों इनके जीवन में आनंद है, क्यों इनके घर में खुशी है? वो कह रहा है आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ। सिद्ध कैसे बनेंगे? जब हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम होगा, प्रभु का के वचन हमारे अंदर होंगे, तब हम सिद्ध बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है एक सा मन रखो, यानी प्रभु यीशु मसीह के जैसे अपना मन रखना है, मेल मिलाप करना है, लोगों में झगड़ा नहीं कराना है कि लोगों से क्या बीच में ऐसे बात आकर के कह दी अरे तो झगड़ा हो जाए। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मेल मिलाप कराया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो शांति का दाता, कौन है शांति का दाता? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, जिसके भी जीवन में वो आ जाता है उसके जीवन में शांति, प्रेम और आनंद आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब फिलिपियों की पुस्तक उसका एक अध्याय 27 पद कहता है केवल इतना करो, क्या करो? केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। क्या मेरा जीवन, क्या आपका जीवन या अन्य व्यक्तियों का जीवन मसीह के चाल चलन के अनुसार है या नहीं है? क्या मैं एक बात कहता हूं और दो बार गाली देता हूं, या मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार करता हूं? मेरे प्रियो, आज मसीहों के मुंह से गालियां निकल रही हैं, बुरे बुरे गंदे शब्द निकल रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 पद कहता है गाली देने वाले, व्यभिचार करने वाले, ये लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं है। गारंटी है इस बात की, भले ही कितनी दुआ बंदगी कर लो, भले ही कह दो मसीह गाने सुनता हूं, भले ही ऐसा कर दो, अगर गाली देते हो तो कभी भी स्वर्ग के अधिकारी हो नहीं सकते। मैं इस बात को इसलिए गारंटी से कहता हूं क्योंकि मेरे खुदा के कलाम में लिखा है, और जो कुछ कलाम में लिखा है मेरे प्रियो, उसे कोई मिटा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो बात है वो सही है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को मसीह के चाल चलन के अनुसार सुसमाचार के योग्य बनाओ। और वो कह रहा है पौलुस, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं या ना देखूं, चाहे आऊं या ना आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। और वो कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा में स्थिर हो। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चल रहे हैं। मेरे प्रियो, आपका जीवन पलट जाएंगे। हालेलुया। और इच्छित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। क्या आप सुसमाचार के परिश्रम करते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, परिश्रम का अर्थ यह है कि आप सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। क्योंकि ग्रेट कमीशन मुझे और आपको मिली है, वो ग्रेट कमीशन ये, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड। आज हम क्या सुना रहे हैं? फिल्मी गाने, गंदी बातें, गालियां, बुरा व्यवहार, व्यभिचार, ये है मेरे और आपके काम मेरे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। मेरे प्रियो, धन्यवाद देता हूं मैं बहुत से भाई बहनों के लिए, और अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। क्या भी कन्वेंशन होती है, और हमारी जब कन्वेंशन हम करते हैं तो मेरे प्रियो इतना ओवरलोडेड होते हैं हम लोग, इतना बिजी होते हैं, लेकिन कभी भी थकावट नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड।
एक नई स्फूर्ति के साथ, नई योग्यता के साथ, नए आनंद के साथ, नए परिश्रम के साथ जब हम सेवा करते हैं मेरे प्रियो, मालूम नहीं पड़ता। प्रेज द लॉर्ड। परिश्रम तो करना है, हालेलुया हालेलुया। साम 86 भजन संहिता 86:5 क्या कहता है उसका पांचवा पद, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। मैं और आप क्षमा करने वाले हैं क्या? मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं? मेरे प्रियो, जब मैं और आप चुप रहेंगे, जब मैं और आप लोगों को क्षमा करेंगे, कितनी बार हम प्रार्थना करते हैं हे पिता, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, और कितनी बार हम कहते तू हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करा। लेकिन मेरे प्रियो, कभी भी हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते, और ये प्रार्थना हम रोज छूट बोलते। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप क्षमा करते हैं? क्या मैं क्षमा करता हूं? मेरे प्रियो, अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए, उसके बारे में सोचिए, कितनी बार हम हे हमारे पिता की प्रार्थना में झूठ बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तू भला और क्षमा करने वाला, और जितने पुकारते हैं तू सबों के लिए अति करुणा में है। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग उसे पुकारते हैं, जितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर उन पर दया करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों का 1:4 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता है। क्या है? दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, मेरे प्रियो रहेगा, तो हम कभी भी अशांत नहीं रहेंगे। हमारे जीवन में अशांति, आप अपने आप में काम करने वालों के साथ, अपने अगल बगल आस पास जो आपके लोग रहते हैं उनके जीवन में उथल पुथल क्यों है, देखिए और जांचिए कि आपका जीवन शांत है और दूसरा का जीवन में उथल पुथल है। क्यों? वो बेचैन है, परेशान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में नहीं है। हालेलुया। क्यों पति पत्नी में झगड़ा है? क्यों आपके और आपकी पत्नी के विचार नहीं मिलते? क्यों नहीं आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके आपके बीच में विचार नहीं मिलते? हालेलुया। क्योंकि आप एक मन नहीं है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको एक मन होना है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों आपकी और आपकी पत्नी की वजह, मेरा पैसा अलग है, तुम्हारा पैसा अलग है, तुम ये खर्चा करोगे, मैं ये खर्चा करूंगी, क्यों? पर मेरी याद करिए, जब आप परमेश्वर की पवित्र हेकल में गए और आपने अपना समर्पण किया और आपने कहा तेरी सारी चीजें मेरी हैं और मेरी सारी चीजें तेरी हैं, तो आपने परमेश्वर के सामने झूठ बोला है। आप झूठे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ एक मन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यर्मिया के पुस्तक उसका 32 और उसका 39 क्या कहता है, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा, यह वगैरह वे सदा मेरा भय मानते रहे, जिससे उनका और उनके वंश का भी भला होता रहे। जब आप और मैं परमेश्वर की संगति में रहेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के भय में रहेंगे, तो मेरे प्रियो, हमारा जो वंश, हमारी जो औलाद और औलाद की औलाद और औलाद की औलाद को क्या मिलेगी? भला होगा, उस पर दया होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सपना में अभी जयमसी की। प्रेज द लॉर्ड। क्या है, क्यों हमारे जीवन में उथल पुथल है? मेरे प्रियो, अपने आप को जांचिए,
कोई भी कमी है अपने आप का समर्पण कीजिए, घुटनों पे आ जाइए, परमेश्वर के आगे झुक जाइए, प्रभु मुझसे जो भी गलतियां हुई क्षमा कर, लेकिन अब मैं नया जीवन शुरू करता हूं, मैं नया जीवन शुरू करती हूं। देखिए आपका जीवन बदल जाएगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। रविका सिस्टर जय मसीह की प्रभु आशीष में। हालेलुया। जब तक मैं और आप परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में उथल पुथल बनी रहेगी। हालेलुया। हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य बनना है। कोई बात नहीं पिछले वक्तों में जो भी कुछ किया, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु पश्चातापी हृदय को जानता है। जब मैं और आप पश्चाताप करते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु हमें क्षमा करता है और नया, वो कहता है मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं लेते मांस का हृदय? परमेश्वर से लीजिए नया जीवन, नया आनंद, नए स्फूर्ति के साथ आप लोग अपने जीवन में देखेंगे कि क्या हो रहा है। लिखा है वो क्षमा करने वाला है, और वो क्षमा करने वाला है मेरे प्रियो। भजन संहिता 86 और उसका 5 पद, साम 86:5, वो कहते क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। हालेलुया। मेरा प्रभु कैसा है? भला करने वाला है, क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू करना में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो कहता है कि जितने तुझे पुकारते हैं। हालेलुया। क्या आप प्रभु को पुकारते हैं? प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर, प्रभु तू मुझे संभाल, प्रभु मेरे परिवार को संभाल। एक बार कह के देखिए मेरे प्रियो, वो तो बाहें खुलाए, बाहें फैलाए खड़ा हुआ है, आपको अपनी बाहों में समेट लेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है तुम्हारे लाल रंग के, अगवानी रंग के भी गुनाह होंगे तो भी वो साफ कर देगा, लेकिन लौट के उन गुनाहों में नहीं जाना मेरे प्रियो, बस तब ही क्षमा होंगे। अगर हम बार बार गुनाहों की क्षमा लेते हुए और उसके बाद वो ही गुनाह करेंगे तो उसकी माफी नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बहुत आशीष दे, और ये वचन मैं कहता हूं सबसे पहले मेरे लिए और फिर मेरे सुनने वाले भाई बहनों के लिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। खुदावन तू क्षमा कर हमको प्रभु, अपने गुनाहों को तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु। हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं, लेकिन प्रभु तू दया करता है मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने प्यारे भाई बहनों ने आज ऑनलाइन रहकर तेरे वचन को ग्रहण किया मेरे प्रभु, तू उन्हें आशीष दे, उनके परिवारों को आशीष दे, उन्हें बरकत दे, और वो जो मन में सोचते भी नहीं वो चीज तू उनके लिए कर दे मेरे खुदा। ये तुझसे विनती करता हूं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर उनके परिवारों पर आशीष, जितने ऑफलाइन इसे देखते हैं प्रभु सब पर तेरी दया, और जितने लोग इस वचन को शेयर करते हैं, अधिक से अधिक जब शेयर करते हैं प्रभु वो भी तेरे वचन के सहभागी हो जाते हैं प्रभु। सब पर दया कर, तू सब पर दया कर, तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते जो बीमार है खुदावन, चाहे वो शरीर से बीमार है, चाहे वो आत्मा से बीमार है, हर एक बीमारों को तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो तेरे सुसमाचार के कार्य में लगे प्रभु, सब पर दया कीजिए, सब पर अपना अनुग्रह दिए, और चाहे कितना भी विरोध होता रहे प्रभु, लेकिन तेरे लोग तेरे सुसमाचार को लोगों तक शेयर करते रहे प्रभु, तेरी दया सब पर बनी रहे। खुदावन प्रार्थना करते हैं जिनके आज जन्मदिन है, जिनकी एनिवर्सरी है प्रभु, आप सब पर दया कीजिए, सबको आशीषित कीजिए, उम्र की दराजी दीजिए, जिनकी एनिवर्सरी है प्रभु उनको, उनके जोड़ों को बना के रखिए प्रभु। पिता परमेश्वर आप सब पर दया करिए। सारी बातों के लिए मेरे पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ तूने हमें इस्तेमाल किया प्रभु, हम पर भरोसा किया अपने वचन को शेयर करने के लिए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से। पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन।
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जय मसीह की। और कल 7 से 8 रूथ सरकार सिस्टर है जो प्रभु के वचन को लेके आएंगी, शाम को 7 से 8 जरूर मिलिए उनसे भी। प्रभु की एक विश्वास दासी जो पश्चिम बंगाल से हैं और आप उनको जरूर अपनी प्रार्थना में याद रखिए, सिस्टर रूथ सरकार। और रात को 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन जो हमारे आगरा से हमारी बहन है और दयालबाग क्षेत्र से है, आप उनको भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम भी आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे। और हम भी आप सबके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं ताकि आप सब प्रार्थनाओं में प्रभु के सामने उपस्थित बने रहे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जय मसीह की।